हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मौशमीज़ कुकिंग डेन। इंडिपेंडेंस डे नज़दीक है, तो इस बार हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तिरंगा बर्फी के साथ, जो बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाता है। तो आइए बना लेते हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा बर्फी। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम सूजी लिया है। अभी हम एक पैन पर 2 चम्मच घी गरम करके सूजी डाल देंगे। सूजी को हम लो फ्लेम पर हल्का सा ही भून लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। हमें कंटिन्यूअसली इन्हें हिलाते हुए भूनना होगा, अदरवाइज ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा। हमें कलर चेंज नहीं करना है। अभी हम इस पर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इस पर दूध मिलाएंगे। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सूजी के साथ मिलाते जाएंगे। मैंने टोटल कितना दूध यूज किया है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। फिर हम इस पर 100 ग्राम शक्कर मिलाएंगे। शक्कर दूध और सूजी में अच्छे से घुल जाना चाहिए। सूजी को अच्छे से पकाने के लिए हम थोड़ा सा और दूध डाल रहे हैं। इन्हें हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। कुल मिलाके हम 5 से 6 मिनट तक सूजी को पकाएंगे। हम इंडियंस हर ओकेजन को मिठाई से ही सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे पर मिठाई तो जरूर बनता है। तो हमारा सूजी पक चुका है और एक सॉफ्ट डो बन गया है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और सूजी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। सूजी को मैं इक्वली 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूंगी। तो इस ट्राई कलर रेसिपी को बनाने के लिए हमें सूजी पर ग्रीन और सैफ्रॉन कलर ऐड करने पड़ेंगे। तो एक सूजी के गोले पर ग्रीन कलर ऐड करके अच्छे से मिला लूंगी। फिर दूसरे सूजी के गोले पर सैफ्रॉन या ऑरेंज कलर डालकर अच्छे से मिला लूंगी। सूजी का मिश्रण हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। ये ट्राई कलर बर्फी देखने में बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाके हमने सूजी पर 2.5 कप दूध यूज किया है। तो हमारे तिरंगे का ग्रीन और सैफ्रॉन कलर तैयार है और व्हाइट कलर के लिए हम सूजी का नेचुरल कलर ही रहने देंगे। अभी हम एक फॉइल पेपर पर ब्रश की मदद से अच्छे से घी लगा लेंगे और सूजी के एक एक गोले को सेट कर लेंगे। पहले हम ग्रीन कलर को डालकर अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम व्हाइट सूजी के गोले को डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
और आखिर में हम ऑरेंज सूजी के गोले को डाल करके और एक लेयर बना लेंगे। तो हमने तीनों कलर के लेयर को अच्छे से एक के ऊपर एक फैला दिया है। तो इस तरह आप एक स्पेटुला या अपने हाथों की मदद से इन्हें सेट कर सकते हैं। अभी हम इन्हें एक चाकू की मदद से बर्फी के शेप में काट लेंगे। अगर आप चाकू में थोड़ा सा घी लगाकर बर्फी को काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो ये देखिए हमारा तिरंगा बर्फी रेडी है। तो दोस्तों मेरे ये तिरंगा बर्फी का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।